राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 98 पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया, साथ ही सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार की राशि भी प्रदान की। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सरकार 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2,000 रुपये खेल छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को नया आयाम दिया है। वह एक सामान्य आर्मी परिवार से थे, लेकिन अपने खेल के दम पर उन्होंने दुनिया में कई लोगों के दिलों में राज किया। खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है ऐसे खिलाड़ी उनको जो है आउट ऑफ टर्म जॉब के लिए हम लोगों ने मंत्रिमंडल में निर्णय ले लिया है और पिछले 10 सालों तक जो भी ये अर्हता रखने वाले खिलाड़ी होंगे उन सभी को इस प्रावधान के अंतर्गत समाहित किया। खेल विश्वविद्यालय के बारे में भी एक बार बता दीजिए क्या किया है। खेल विश्वविद्यालय बनाने का हमने निर्णय लिया हुआ है और जल्दी हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो हल्द्वानी में हमारा गोलापार में स्टेडियम है उस स्टेडियम के आसपास की जमीन अगर हमें जल्दी ही मिल जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वन विभाग से संबंधित कुछ भूमि होने के कारण से अभी जमीन के कारण से एकदम तेजी नहीं आ पा रही, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम खेल विश्वविद्यालय का निर्माण रुपए करे जाने की बात हो। मैं समझती हूँ ये सारी उपलब्धियाँ और हाँ हमारे बच्चों की ट्रैवलिंग में जो बिल्कुल न्यूनतम थर्ड क्लास में बच्चे जाते थे आज उसको फर्स्ट क्लास में जाने का माननीय मुख्यमंत्री व्यवस्था के रूप में आज घोषणा कर गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आज का दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो ये उत्सव मना रहे हैं उसमें ये चार चांद लगाने का काम करते हैं। मैं मानती हूँ कि इन उपलब्धियों के साथ में निश्चित रूप से खिलाड़ियों का पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ा है और आने वाले समय के लिए मनोबल हम सब के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। उत्तराखंड का नाम रोशन होगा। निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक बनाने काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ।